चीको कलम कलम कहाँ घूमने गए थे? पार्क में घूमने गए थे। पार्क में आपने बहुत इंजॉय किया था, झूले लिए, फिर पेड़ पौधे देखे, फिर पक्षी देखे, फिर उधर बहुत सारे बच्चे इंजॉय करने आए थे, ना अच्छा लगा था। तो चलो आज कुछ और पढ़े, नया पढ़े। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपके घर के आसपास हरियाली देने के लिए क्या होते हैं? क्या होते हैं? पेड़ पौधे। वेरी गुड। तो आज हम जो पढ़ेंगे ना वो पेड़ों से ही संबंधित है, ठीक है। आज मैम आपको पेड़ों के बारे में जानकारी देगी, जैसे कि देखो हम चलो पेड़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। वहाँ से लेके वहाँ तक जो सारे पेड़ ही पेड़ है ना पेड़ जे, देखो कितने अच्छे पेड़ लगे हैं। और इधर देखो कितना बड़ा पेड़ है, और इधर देखो जी उससे भी बड़ा है जी उससे। जैसे जी पेड़ लगे हैं ना, इनके नाम भी अलग अलग है। जैसे कोई बरगद का पेड़ होता है, कोई पीपल का पेड़ होता है, कोई और नीम का पेड़ होता है। आपको पता है जो नीम का पेड़ होता है वो कैसा होता है? उसके जो पत्ते होते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं, जो उसकी टहनियाँ होती हैं, है ना, उसकी जो टहनी होती है ना, जो उससे लकड़ी मिलती है ना हमें, वो हमें दातुन के काम आती है, उससे हम दातुन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पेड़ है ना, जो पीपल का पेड़ होता है ना, उसकी लोग पूजा भी करते हैं। उसको लोग ना ऐसे करते हैं, उसके दिया बत्ती देकर उसको पूजते भी हैं, ठीक है। और जैसे नीम का पेड़ से हमें बहुत औषधियाँ बनती है, जैसे हमारे शरीर पे कुछ फिंसियाँ वगैरह कुछ आ जाता है ना, उसे नीम के पेड़ से पत्ते होते ना उसके, उनसे उनकी मेडिसिन बनती है। वो दवाइयाँ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और जो देखो बरगद का पेड़ भी बहुत बड़े हैं इधर, और भी बहुत सारे पेड़ हैं। चलो आगे आ जाओ, चलो चलो अच्छा वो देखो आगे देखो कितना जी पीपल का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है। वो देखो बेटा पीपल का पेड़ से बात कर रहा है, आपको पीपल का पेड़ दिखाती है। चलो 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 मामा पंचे गाले गाले देखो ये पीपल का पेड़ है। बहुत बड़ा है ये पीपल का पेड़ है। ये कहां का ना बहुत मोटा इस तरह की इंसान का है। इसके पत्ते भी बहुत बड़े होते हैं, इसके पत्ते भी बहुत काम आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ फिर हम उसका पेड़ देखे। आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। ये देखो ये किसका पेड़ है? अमरूद। अमरूद का पेड़ है। अमरूद का पेड़ कितना बड़ा पेड़ है ना, अभी तो ये छोटा है, अभी तो पेड़ छोटा है ना। जब जी पेड़ बड़ा हो जाएगा ना, जो बहुत बड़ा पेड़ होगा, उसको बहुत सारी टहनी होगी, तो जी पेड़ हम क्या देता है? अमरूद देते हैं। जो आपके पेड़ हमें फल देता है, ठीक है। जो पेड़ हमें क्या देता है? फल देता है। उसको कौन सा फल लगता है? अमरूद का फल लगता है। जिसकी वजह से जैसे जो अमरूद का पेड़ है ना, वैसे ही संतरे का पेड़ होता है, लीची का पेड़ होता है, ऐसे ही बहुत सारे पेड़ होते हैं जो हमें फल देते हैं। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमको सब्जियां देते हैं। अच्छा जो सब्जियों के पेड़ होते हैं ना, वो छोटे छोटे ही होते हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो वो छोटे छोटे, जैसे बैंगन का पेड़ देख लो, शिमला मिर्च का, मिर्ची का, वो छोटे छोटे होते हैं ताकि उसको हम आसानी से तोड़ सकें, ठीक है। अच्छा और आज हमने कौन कौन सा पेड़ देखा? पीपल का पेड़ देखा, अमरूद का पेड़ देखा, बरगद का पेड़ देखा, और भी बहुत सारे पेड़ हैं इधर देखो, कौन कौन से पेड़ हैं, ठीक है। अच्छा लगा आपको? अच्छा जो पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, और ऑक्सीजन देते हैं, और लकड़ी देते हैं। जो भी इस पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है ना, उस लकड़ी को हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए, और जो हमारे घर में फर्नीचर होता है ना, वो भी इन पेड़ों का ही होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा लगा आपको पेड़ों के प्रति जानकारी? मिली नहीं? मिली तो है। बताओ कौन सी जानकारी मिली लक्षित, बोलो।
पेड़ चल। ओके थैंक यू बेटा।